इंदौर में तुकुगंज थाना इलाके में रेसकोर्स रोड के पास एक इमारत की पार्किंग में लूट की बड़ी वारदात हुई। यहां पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान बिजनेसमैन और उनके भतीजे सहित पड़ोसी के साथ बदमाशों ने चाकू दिखाकर सोने की चेन और ब्रेसलेट उतरवा लिया। पड़ोसी वहां आए तो उन्हें भी बदमाशों ने लूट लिया। इसके बाद वो बाइक से भाग निकले। अब पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए इनकी तलाश कर रही है। शहर के सबसे पॉश इलाके में शुमार रेसकोर्स रोड पर दो बदमाशों ने चाकू दिखाकर लोगों से सोने के आभूषण लूट लिए। आज सुबह 7:45 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि रानी सती गेट के पास रहने वाले कमलेश अग्रवाल और उनके दो रिश्तेदार नीलेश और दिशांक अपने घर के पास पार्किंग में खड़े हुए थे। उनके घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तभी दो बाइक सवार जो है उनके पास आए और उनको जो है डरा धमका कर उनसे उन तीनों से सोने की चेन और ब्रेसलेट और अंगूठी निकलाकर ले गए। इस संबंध में जो है हमारे TI साहब और ACP साहब तत्काल मौके पर पहुंच गए हैं। फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जो बाइक है उसके बारे में पता किया जा रहा है। तो इसमें जो अग्रिम विवेचना है और अग्रिम जो हमारी पतारसी का प्रयास है उसको किया जा रहा है। इसमें 309 और 351 तीन BNSM कायमी की गई है। प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए और कार्रवाई की जाए। वही रात्रि गश्त और नाकाबंदी के बाद भी नकाबपोश बदमाश सोने घर में घुस गए। पोश कॉलोनियों से 4 लाख रुपए कीमती आभूषण, नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान चुरा कर ले गए। CCTV फुटेज में चोर अलग अलग घरों में दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। वारदात की शुरुआत राउ थाना अंतर्गत साई रॉयल पाम कॉलोनी में हुई है। फरियादी राशि सोलंकी 7 नवम्बर को रात करीब 8 बजे अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। शनिवार सुबह 8:15 बजे पड़ोसी JK सोनी ने कॉल कर बताया कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। राशि और नवनीत घर आए तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। 5 अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। चोर सोने के आभूषण, नकदी और महंगी शराब की बोतलें तक चुरा कर लेके चले गए। राशि और नवनीत जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने इन सब की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे खंगाले तो 4 चोर नजर आए। 2-2 की टुकड़ी में ये चोर थे और चोरों ने कई घरों में दरवाजों पर दस्तक दी थी। जिन घरों में ताले नहीं लगे थे उनको छोड़ दिया गया। पुलिस अब इस मामले में CCTV कैमरे खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। व्यस्त इलाकों में इस तरह की घटना से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बदमाश लोगों को धमका रहे हैं कि अगर वो गहने नहीं देते हैं तो उन्हें चाकू मार देंगे। घबराए लोगों ने अपने गहने उतार कर उन्हें दे दिए, जिसे लेकर वो फरार हो गए।